चलिए, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है? द क्वेश्चन इज सेइंग कि स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये बताना है कि स्केलर और वेक्टर कौन सा होगा. ठीक है, तो वॉल्यूम, मास, स्पीड, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वेलोसिटी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारे के सारे क्वांटिटीज अपन को दे रखे हैं. इसमें से पूछा जा रहा है कि स्केलर कौन सा है और वेक्टर कौन सा है. चलिए, तो सबसे पहले अपन अगर स्केलर क्वांटिटीज की बात करें तो इनमें से वॉल्यूम जो है वो हमारा स्केलर है. ठीक है, मास जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, उसके बाद डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि मास और वॉल्यूम दोनों स्केलर है तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी क्या हो गया? स्केलर हो गया. नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर की बात हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन से कोई मतलब होगा नहीं. एंड फाइनली इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ऑल दीज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज. तो ये सारी क्वांटिटीज कैसी हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं मेरे पास. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूं तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये सारे मेरे पास वेक्टर क्वांटिटीज निकल के आए. और हम वेक्टर स्केलर के बारे में बहुत पहले एक सेपरेट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या इनका रिजल्टेंट होता है. इन सब चीजों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं. चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन चलें तो पूछा जा रहा है कि इन फॉलोइंग क्वांटिटीज में से कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो स्केलर हैं. तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. हम आगे जब वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उस चैप्टर में देखेंगे पर्टिकुलर दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. करंट एक अपने आप में इलेक्ट्रिक करंट भी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है. डिस्पाइट हैविंग डायरेक्शन, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाई? बिकॉज याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो द डायरेक्शनल रूल्स ऑफ वेक्टर. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्शनल रूल्स वेक्टर के फॉलो नहीं करता. तो इसलिए अपन इलेक्ट्रिक करंट को भी स्केलर क्वांटिटी में प्लेस करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है. हालांकि ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ते हैं 12th क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है तो अपन को उसका आंसर देना था. एंड द आंसर इज दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द डायरेक्शनल रूल्स ऑफ वेक्टर. चलिए, ये चीज अपन ने बात कर ली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है. अपन से पूछा जा रहा है वेक्टर क्वांटिटी बताओ, नीचे दी हुई क्वांटिटीज में से अपन को बताना है वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है. तो अपने पास काफी सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे एक टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, इम्पल्स, टाइम, पावर, टोटल पाथ लेंथ, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, चार्ज. तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट इन सभी में से सिर्फ एक ही ऐसी क्वांटिटी है विच इज वेक्टर, एंड दैट इज इम्पल्स. इम्पल्स ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है. और इम्पल्स बेसिकली होता क्या है? तो इट इज अ फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एक फोर्स ऐसा जो कि बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट करे, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं. सो इम्पल्स इज दैट काइंड ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये चीज आपको याद रखनी है, एंड विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि ये फोर्स है. तो फोर्स अपने आप में क्या होता है? एक वेक्टर होता है. और यहां से अपन ने सीख लिया है. फटाफट बताइए, हैंड रेज करके, यहां तक क्लियर है कि नहीं? यस और नो? फास्ट फास्ट एवरीवन. सिंपल से क्वेश्चंस थे अपन से. सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि कौन से वेक्टर हैं, कौन स्केलर हैं. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि स्टेट द रीजंस वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशंस स्केलर और वेक्टर पॉसिबल हैं कि नहीं है. क्या हम दो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं? क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि क्या हम दो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं? हम तब ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड देम. तो लिख सकता हूं मैं, वी कैन ऐड देम इफ. हम इनको तब ऐड करेंगे जब they both have same physical quantities.
जब ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी से बिलोंग करते हैं। और ये चीज अपन ने कहाँ पढ़ी थी, ये चीज अपन ने पढ़ी थी यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अपन को ये बताता है दैट दो क्वांटिटीज को अपन तब ऐड कर पाएंगे जब दो क्वांटिटीज के फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। जैसे वेलोसिटी और वेलोसिटी को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पीड और स्पीड को हम ऐड कर सकते हैं, बट हम डिस्टेंस और स्पीड को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के क्वांटिटी सेम नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वॉट दिस फ्रॉम दिस वी कैन से इनको हम ऐड कर सकते हैं बट ओनली इफ इफ दे हैव बोथ द फिजिकल क्वांटिटीज दे आर हैविंग और दे बोथ आर हैविंग सेम डायमेंशंस, सो देन ओनली वी कैन ऐड देम। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन से पूछा जा रहा है कि एडिंग अ स्केलर क्वांटिटी टू अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ सेम डायरेक्शन सेम डायमेंशन, मतलब क्या हम स्पीड, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज मेरे पास एक एक क्वांटिटी है स्पीड, ठीक है, एंड द अदर क्वांटिटी इज वेलोसिटी, सो क्या मैं स्पीड और वेलोसिटी को ऐड कर सकता हूँ? इन दोनों की डायमेंशंस तो सेम है लेकिन है एक वेक्टर और एक स्केलर, तो क्या मैं दोनों को ऐड कर सकता हूँ? आंसर विल बी नो, ठीक है, हम स्केलर को स्केलर से ही ऐड कर सकते हैं एंड वेक्टर को वेक्टर से ही ऐड कर सकते हैं, हम स्केलर और वेक्टर का डायरेक्ट डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते, इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। सो कोई भी अपन से पूछे कि दैट whether we can do the direct addition of scalar and a vector quantity, so our answer will be no, we cannot add them, ठीक है, हम उसको add नहीं कर सकते। चलिए ये चीज भी अपन ने कर ली। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी से, सो यहाँ पर आंसर मेरा होता है यस, ठीक है, फॉर सी मैं लिख सकता हूँ यस, वाई, बिकॉज अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला देखूँ तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट मास कैसी क्वांटिटी है? मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो मास इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वी कैन मल्टीप्लाई ए स्केलर क्वांटिटी विद ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट अपन से पूछा जा रहा है कि क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दो स्केलर क्वांटिटीज को, तो बिल्कुल स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर किसी का एरिया निकालना है लाइक दिस, ये मेरे को एरिया निकालना है, एरिया का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर और मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया निकालना है, तो वट वी विल डू, हम डायरेक्टली 4 × 3 कर देंगे, दोनों तो क्या है लेंथ, मल्टीप्लाई किया आंसर विल बी 12 मीटर स्क्वायर। सो स्केलर क्वांटिटीज को डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बट यहां पर याद रखने की बात क्या है, याद रखने की बात यह है, यू हैव टू नोट वन थिंग दैट एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना, एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई भी आपसे पूछे कि एरिया क्या है तो आप बोलोगे वेक्टर, बट वॉल्यूम के बारे में कोई भी आपसे पूछे दैट वॉल्यूम इज व्हाट, तो आप वॉल्यूम के बारे में बताओगे दैट वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम इसमें डायरेक्टली चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपन से क्या पूछ रहा है कि क्या मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, सेम वही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी, कैसे, यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं दो वेक्टर्स को ऐड तब करूंगा जब दोनों की डायमेंशन सेम होगी, सो दे कैन बी एडेड इफ द डायमेंशंस आर सेम, अगर दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है तो उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ऐसा किसने बोला है, ऐसा पता चलता है हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से, जो कि कहां पढ़ा था हमने, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ा था, दो क्वांटिटीज को तभी ऐड कर पाएंगे जब उनकी डायमेंशंस सेम होंगी। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है कि एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, अब देखो सेम वेक्टर इसने बोल दिया, सेम वेक्टर मतलब डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी, और डायमेंशन सेम होंगी तो यस वी कैन ऐड, तो F का आंसर क्या हो जाएगा, यस वी कैन ऐड। तो अपन को एक चीज ध्यान रखनी है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज कभी भी अगर अपने सामने आ जाए, अपन से अगर पूछ लिया जाए दैट वेक्टर क्वांटिटी को कब ऐड करेंगे, स्केलर को कब ऐड करेंगे, तो याद रखो कि सेम डायमेंशन क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है, मल्टीप्लीकेशन हम स्केलर और वेक्टर के बीच में कर सकते हैं। फटाफट बताइए क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो, रीज आंसर,
यस यस फास्ट। चलिए नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से अपन को ये पता लगा के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या एक मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर होता है कि नहीं। तो ऑब्वियसली जब अपन किसी भी वेक्टर को लिखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास वेक्टर है 2i कैप + j कैप, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करूं तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, दिस बिकम्स √4 + 1, दिस बिकम्स √5। दैट मींस एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये चीज तो क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी चीज थी, अपन ने डायरेक्टली बता दिया। नेक्स्ट अपन से क्या बोल रहा है कि ईच कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। क्या हर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर स्केलर ही होता है क्या? सो आंसर होगा नहीं। कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर वेक्टर है मेरे पास, दो डायरेक्शंस हैं x एंड y, दिस इज x, दिस इज y। अगर मैं कॉम्पोनेंट की बात करूं तो कॉम्पोनेंट भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही निकाला जाता है। ठीक है, कॉम्पोनेंट भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही निकाला जाता है। अगर ये थीटा है, ये 90 - थीटा होगा और मुझे पता रहेगा दैट a cos थीटा इज द कॉम्पोनेंट इन x एक्सिस। a cos थीटा जो कॉम्पोनेंट है वो किसमें है? x एक्सिस में। सिमिलरली जो पर्टिकुलर y कंपोनेंट होगा वो होगा a sin थीटा और वो कंपोनेंट होगा इन y एक्सिस के अंदर। तो क्लियरली अपन को पता चलता है दैट कंपोनेंट्स के बारे में अगर अपने को बात की जाए तो कंपोनेंट्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ही निकलते हैं, तो उनको स्केलर बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी अपन ने कर लिया, इसको बोलेंगे अपन फॉल्स। नाउ लेट अस मार्क द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या बोलता है, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बेटा ये तो इसने बहुत ही विचित्र सी बात कर दी। इसने ये बोला कि भाई एक पार्टिकल है, उसका पाथ कुछ इस तरीके से मान लेते हैं अपन ऐसे, ठीक है, और इस पाथ की जो लेंथ होगी, इस पाथ की जो लेंथ होगी वो हमेशा इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगी। तो क्या ये चीज सही हो सकती है? आप लोग खुद बताइए सोच के कि भाई कभी भी डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से छोटा हो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर तब होगा जब डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मींस डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो यह वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा नहीं है? आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस और नो, फास्ट रेज योर हैंड्स। बताइए बेटा फटाफट। फटाफट फटाफट यस। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सिंपल सी बात है, अपन इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, सारी चीजें क्लास में डिस्कस्ड हैं। चलिए अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका एक अपन क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, बाकी जो इसके सॉल्यूशन अब मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ पूरे काइनेमेटिक्स चैप्टर के, उस सॉल्यूशन के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन आई वांट कि एक क्वेश्चन तो अपन क्लास के अंदर सॉल्व करें एंड बाकी तीन आप लोग मुझे सॉल्व करके ऑन माय व्हाट्सएप मुझे सेंड करिए। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर आप लोग सभी के पास है मेरा, तो आप लोग सॉल्व करके बाकी तीन मुझे भेज सकते हैं, अपन एक को क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। एक ही अपन को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसने बोल दिया, भाई खुद सोचो, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं एक पर्टिकुलर वेक्टर लेता हूं ऐसे, और एक पर्टिकुलर वेक्टर लिया मैंने ऐसे, देखो ठीक है, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर।
ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ऑब्वियसली समवेयर इन बिटवीन होगा, तो ये लो मैंने इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर भी ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। मैं जानता हूं कि मैं वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, तो ए को पैरेलली ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं और बी को पैरेलली मैं इधर ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है, ये ऑब्वियसली ए प्लस बी के बराबर आएगा, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही रिजल्टेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए बी वेक्टर को मैं यहां पर इससे डिनोट कर रहा हूं और मैं ट्रायंगल को नाम देता हूं, देखो ये ओ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। नाउ देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ओ ए बी, अगर मैं ओ ए बी ट्रायंगल को देखूं तो यहां पर मुझे दिखता है कि ए वेक्टर शोज द वन साइड, ए वेक्टर एक साइड को शो करता है, बी वेक्टर शोज द अदर साइड, ठीक है, और फाइनली जो ए प्लस बी वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट के बराबर है, ये थर्ड साइड को शो करता है। एंड वी नो दैट एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, जिस प्रॉपर्टी से हम ये बता सकते हैं दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये हमारी ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। तो अपन यहां लिख सकते हैं दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो वी कैन से कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अगर मैं इनको एड करूं तो ये हो सकता है कि बड़ा हो किससे, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, या तो उसके बराबर हो। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। तो ये अपन ने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर दिया, फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर कर दिया। अब ऐसे ही रिमेनिंग बाकी पार्ट्स भी अपन को सॉल्व करने हैं। क्या आपको अप्रोच समझ में आई कि नहीं आई, किस अप्रोच को लेके अपन ने यहाँ पर सॉल्व किया है, फटाफट बताइए यस और नो। अप्रोच आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सर हमने क्या अप्रोच ली, हमने क्या फंडा यहाँ पर यूज किया है, जिस फंडे को यूज करके अपन यहाँ पर ऐसे प्रूव कर पा रहे हैं, फटाफट हैंड रेज करके बताइए। फास्ट फास्ट बेटा फास्ट, चलिए वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ मूविंग ऑन, आगे आगे चलते हैं, अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैं चाहता हूं कि इसके जो बाकी बी सी एंड डी पार्ट्स हैं, बी सी एंड डी पार्ट्स हैं, यू ट्राई इट एन होमवर्क, और होमवर्क में ट्राई करने के बाद आप मुझे इसको व्हाट्सएप पे भेजें। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे सॉल्व कर लेंगे वो मुझे इसको सेंड करें, अदरवाइज आपको जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन द सॉल्यूशन, ठीक है, यू विल गेट नोट्स एंड सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली। चलिए नाउ मूविंग ऑन, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एट्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन पे आएंगे हम वापस, पहले एट्थ क्वेश्चन को देखिए। एट्थ क्वेश्चन अपन को कह रहा है, थ्री गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द एज ऑफ ग्राउंड एंड रीच ए पॉइंट क्यू डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू द पॉइंट पी एज शोन इन द फिगर, व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच, ठीक है, तीनों के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रहेगा। तीनों ने ही पी से चलना शुरू किया, तीनों ही क्यू पे पहुंचे, तो मैग्नीट्यूड तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सेम रहेगा, क्योंकि तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, डायरेक्टली इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो और ये जो स्ट्रेट लाइन से जोड़ने के बाद मेरे को जो लाइन मिलेगी दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये डायरेक्टली मेरे को मिल गया। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई एक्चुअल लेंथ मतलब डिस्टेंस की अगर बात कर ली जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी डिफरेंट फॉर ऑल थ्री ऑफ देम, क्योंकि ए जो है वो इस पाथ से जाता है, बी अलग पाथ से और सी अलग पाथ से जा रही है, दैट मींस तीनों के लिए डिस्टेंस तो अलग है बट डिस्प्लेसमेंट सेम है, और डिस्प्लेसमेंट अगर अपन को यहां पर निकालना पड़े सो अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, टू इंटू आर मतलब डायमीटर कैलकुलेट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एंड टू इंटू आर करेंगे तो दिस बिकम्स 400 मीटर।
सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, क्लास में अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया है, ठीक है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए कि सर क्या अप्रोच यूज की जिसकी वजह से अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपन को फिर से एक सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन दे दिया। देखो सर अब क्या कह रहा है, एक साइक्लिस्ट है जो कि ओ पॉइंट से चलना शुरू करता है पार्क के ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, मतलब यहां से यहां तक का जो ये रेडियस दे रखा है दैट इज 1 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछा ये जा रहा है, ठीक है, ये कहां से तक जाता है, सर्कुलर पार्क पे चलना शुरू करता है क्यू पॉइंट से ओ पॉइंट एंड देन पी पॉइंट, ठीक है, रीचेस द पॉइंट पी एंड देन साइकल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस एंड अगेन रीचेस टू द पॉइंट क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने जर्नी को खत्म कर पाता है। अब सबसे पहले देखिए, अगर अपन से नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। सो ये पहले क्यू से ओ तक आया, फिर ओ से पी तक गया, फिर पी से वापस क्यू चला गया, दैट मींस का डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, जीरो। और एवरेज वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो फाइनली अब आप मुझे एवरेज स्पीड के बारे में भी बता सकते हैं, तो एवरेज स्पीड जो रहेगी वो रहेगी डिस्टेंस नेट अपॉन टाइम, सही बात है। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, सो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले तो एक बार रेडियस ऐड करेंगे, फिर दूसरी बार रेडियस ऐड करेंगे, सो 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, और जब ये कर्व्ड पाथ निकाला जाएगा तो ये निकाल जाएगा 1/4 ऑफ 2πr। कैसे निकाला, 1/4 ऑफ 2πr, क्योंकि ये एक पूरे सर्कमफेरेंस का 1/4 पार्ट है, पूरे सर्कमफेरेंस का ओनली 1/4 पार्ट है, तो दिस कैन बी रिटन एज πr / 2, ठीक है। अब अपन जानते हैं दैट द रेडियस इज 1 किलोमीटर ओनली, सो अपन इसमें डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 इनटू आर इज 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 11/7 किलोमीटर। सो टोटल जो डिस्टेंस मेरे पास इस क्वेश्चन में बनेगा दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 11/7 प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं दिस विल बी 11 + 14/7 एंड दिस विल बी 25/7 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस इज 25/7 किलोमीटर, ठीक है। टोटल टाइम कितने टाइम, कितना टाइम इसको लगता है, तो इसको राउंड ट्रिप लगाने में क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट्स टू कंप्लीट, 10 मिनट लगते हैं इस पूरे राउंड ट्रिप को कंप्लीट होने में। सो डिवाइडेड बाय अपन 10 कर देंगे और 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60। नाउ सॉल्विंग इट वी विल गेट द आंसर। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं, यस और नो, रेज योर हैंड्स। यस बेटा फटाफट फटाफट, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोल रहा है कि ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर 500 मीटर्स, मतलब हर 500 मीटर के बाद जो ट्रैक है वो 60 डिग्री का टर्न ले लेता है। Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the 3rd, 6th, and 8th turn. तो आइए पहले तो ध्यान से देखें कि 60 डिग्री के एंगल पे टर्न लेते समय हो क्या रहा है। मैं एक इनिशियल पॉइंट ये मानता हूँ, ओ मेरा इनिशियल पॉइंट है। यहां से आदमी पहले 500 मीटर जब चला तो ये यहां कहीं पे पहुंचा और इसके बाद इसने 60 डिग्री का एक टर्न ले लिया। सो वी कैन से दैट इस लाइन से इसने नेक्स्ट जो टर्न लिया है दैट इज ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। इसने 60 डिग्री का एक टर्न ले लिया, ये पूरा जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। चलिए इसके बाद जब ये फिर 500 मीटर चलता है फिर से ये क्या करता है, 60 डिग्री का टर्न ले लेता है और 60 डिग्री का टर्न लेते ही ये कुछ इस तरीके से अब यहां चलने लगेगा ऐसे, और 500 मीटर का फिर से चलने के बाद फिर से एक 60 मीटर का टर्न लेता है 60 डिग्री का, तो फिर से एक ये 60 डिग्री का टर्न लेने लगेगा ऐसे। 60 डिग्री का फिर टर्न लेने के बाद ये 500 मीटर चला और 500 मीटर चलने के बाद फिर 60 डिग्री का टर्न लिया, फिर 500 मीटर चला, फिर 500 मीटर चलने के बाद 60 डिग्री का टर्न फिर लेगा,
और ये वापस कहीं पे इनिशियल पॉइंट पे ऐसे पहुंचता है. सो एट ईच एंड एवरी टर्न द एंगल इज 60 डिग्री. हर पॉइंट पे एंगल जो बना रहा है वो 60 डिग्री का टर्न है, 60 डिग्री का टर्न है. चलिए अब मेरे से पूछा जा रहा है कि थर्ड टर्न पे, सिक्स्थ पे और एट्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट क्या है. डिस्प्लेसमेंट की बात पूछी जा रही है. सो अगर मैं फर्स्ट देखूं, फर्स्ट टर्न यहां पर था, ठीक है, फिर सेकंड एंड देन थर्ड, तो यहां पर अपन थर्ड टर्न पे पहुंचे, ठीक है. थर्ड टर्न पे पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा मुझे ये स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करके. और इस स्ट्रेट लाइन को कैलकुलेट अगर मुझे करना है तो व्हाट विल वी डू. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कैसे भाई, आप डायरेक्टली एक सेकेंड, फर्स्ट टर्न ये देखो, स्टार्ट तो यहां से किया ना, तो फर्स्ट टर्न यहां पर है, सेकेंड यहां पर है एंड थर्ड यहां पर है, ठीक है. तो हम जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाला कैलकुलेट करेंगे. ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, यू विल यूज ट्रिग्नोमेट्री. देखिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री. मुझे पता है ये पर्टिकुलर एंगल 60 डिग्री है, मुझे पता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी 500 मीटर का है यहां से यहां तक, 500 मीटर का डिस्टेंस. सो ये भी क्या हो गया, 500 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है. अब मुझे चाहिए ये वाला पर्टिकुलर डिस्टेंस, और जो ये वाला डिस्टेंस निकलेगा वही सेम ये भी होगा क्योंकि सिमेट्रिक है. सो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, हम करेंगे क्या, वी विल यूज द एंगुलर प्रॉपर्टी. देखिए ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं, ये लंबा वाला, और यहाँ का डिस्टेंस मुझे 500 पता ही है. पाइथागोरस लगाऊंगा तो मेरे को ओ से लेके बी पॉइंट जो है वो पता चल जाएगा. फटाफट बताइए, इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता. और पाइथागोरस लगाने के लिए मुझे ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर करना पड़ेगा. और ओ ए की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री. सो दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री. अब बताओ क्या ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज करके, क्या ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज करके मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. फटाफट एक बार हैंड रेस करके बताइए. चलिए बेटा, तो बहुत ही आसान है, अपन कुछ नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर. ओ ए की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे. ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, देखो बेटा मेरे पास ये वाली साइड भी 500 है, ये वाली साइड भी 500 है. वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने के बाद ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, तो उन्होंने 30-30 डिग्री इनको कर दिया, ठीक है. अब मेरे पास एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आती है दैट साइन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड. तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व कर रहा हूं. वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस, वी कैन राइट इट एज साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय AO, ठीक है, विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट साइड. तो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड मुझे क्या दिख रही है, 500. सो ये मैंने 500 कर दिया. यहां से मेरे को AO की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाय साइन 120 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री. सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AO. और जब AO की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, सो अपन वापस पाइथागोरस में पुट करेंगे और OB की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे. इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए ताकि आपको ये चीज कैसे सॉल्व करनी है आपको समझ में आए, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब जो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, एक बार इस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. हालांकि ये नोट्स में प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड है, लेकिन आई होप कि इस प्रॉपर्टी में किसी को कोई दिक्कत ना आए. सो आई एम डिस्कसिंग दिस प्रॉपर्टी अगेन. इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि भाई अगर मेरे पास एक साइड है ए, एक साइड है मेरे पास बी ट्राइंगल की, और एक साइड है मेरे पास सी, ठीक है. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है. तो ध्यान से देखिए, मेरे पास तीन एंगल्स बन रहे हैं और तीन साइड्स बन रही है.
अगर मैं साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय इट्स साइड, मतलब जो ऑपोजिट साइड थी उससे, इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड एंड इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, अगर मैं ये चीज कर देता हूँ तो ये हमेशा वैलिड रहता है ये रेशियो, एंड दिस पर्टिकुलर रेशियो इज नोन एज लामीज थ्योरम. इसको हम क्या बोलते हैं? लामीज थ्योरम बोलते हैं, जिसको हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था. ठीक है, लामीज थ्योरम को अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, जिसको अपन यहां पर पर्टिकुलरली यूज कर रहे हैं. तो ये चीज आपको दिक्कत ना आए इसलिए मैंने आपको दोबारा बता दी है कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर AO निकालने के लिए यूज की, और उस प्रॉपर्टी के हेल्प से अपन ने पहले AO निकाला. AO ने जब निकल जाएगा तो अपन इसको वापस पाइथागोरस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे एंड मेरे पास OB भी निकल आएगा, विच इज द फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द थर्ड टर्न. थर्ड वाले टर्न पे जो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास निकल के आ रहा है वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया. फटाफट बताइए हैंड रेज करके, क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं, यस और नो? चलिए, वेरी गुड. इसी तरीके से अपन सिक्स्थ और एट्थ टर्न भी निकालेंगे, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिक्स्थ और एट्थ टर्न भी निकाल सकते हैं. सिक्स्थ टर्न अगर देखा जाए तो फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्न पे तो ये वापस कहां पहुंच गया? अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया. तो सिक्स्थ टर्न पे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाना है? जीरो हो जाना है. और इसी तरीके से जब एट्थ टर्न की बात होगी तो ये देखो फिर से इसके बाद सिक्स्थ पे यहां पहुंचा, सेवन्थ पे वापस यहां पहुंचेगा और एट्थ पे ये वापस ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जिसका डिस्टेंस अपन निकाल चुके हैं ओ से लेके ए तक का. ठीक है, तो ये चीज ज्यादा मुश्किल नहीं थी, बस अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए और उस अप्रोच से अपन को चलना है. चलिए, तो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है बेटा. अगले क्वेश्चन के अंदर भी अपन को एवरेज स्पीड निकालने को पूछी और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. तो देखो बेटा, जब अपन स्पीड निकालेंगे तब अपन डिस्टेंस यूज करेंगे, और जब अपन वेलोसिटी निकालेंगे तब अपन डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे. तो वेलोसिटी निकालने के लिए वी विल यूज डिस्प्लेसमेंट, एंड फॉर स्पीड वी विल यूज डिस्टेंस, एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास. फटाफट बताइए क्वेश्चन रीड करके, हैंड रेज करके, कि यहां तक अपन सबको समझ में आया कि नहीं. इसके बाद के क्वेश्चंस अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. फटाफट बताइए, कल हो सकता है मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास भी लूं ताकि अपन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाए. फटाफट फटाफट फास्ट एवरीवन. चलिए बेटा, तो आज की क्लास में बस अपन इतना ही देखेंगे, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. टिल देन आप लोग सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद अपन मिलेंगे कल की क्लास में, और कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास एक लेके अपन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे. चलिए, ऑल द बेस्ट एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.